ये कहानी है एक लड़के रिद्धांश की, जो अपने घर का बना हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रिद्धांश बेटा खाना खा लो, आज मैंने आपके लिए घिया की सब्जी और रोटी बनाई है। नहीं, मुझे घिया की सब्जी नहीं खानी, मुझे चिप्स खाने हैं। बेटा मैंने बहुत प्यार से आपके लिए खाना बनाया है। नहीं, मुझे नहीं खाना। रिद्धांश हमेशा ही ऐसे रो के अपनी जिद मनवा ही लेता था। रिद्धांश हमेशा बाहर की ही चीजें खाता था। यार कितने जमे चिप्स है यार, मजा आ गया। एक दिन रिद्धांश के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो रोने लगता है। पैर पर दर्द हो गया। आओ, आओ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पैर पर दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मम्मी को कुछ भी समझ नहीं आता और मम्मी डॉक्टर को फोन करती हैं। रुक, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, रिद्धांश के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है डॉक्टर साहब। कुछ देर बाद डॉक्टर रिद्धांश के घर आते हैं और रिद्धांश को देखने के बाद डॉक्टर को सब समझ आ जाता है। बेटा आप बाहर की चीजें बहुत खाते हो ना? हाँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर डॉक्टर को एक तरकीब सूझती है। बेटा आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? हॉर्स। हॉर्स मुझे बहुत पसंद है। पर हॉर्स ही क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत तेज दौड़ता है। तुम्हें पता है वो इतना स्ट्रांग बनने के लिए क्या खाता है? वो ग्रीन ग्रीन ग्रास खाता है। तो आपको भी स्ट्रांग बनने के लिए ग्रीन वेजिटेबल और घर का खाना खाना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रांग बनोगे तो आपका पेट दर्द भी सही हो जाएगा। ये बात रिद्धांश को समझ आ जाती है और वो डॉक्टर से प्रॉमिस करता है। ठीक है डॉक्टर अंकल, आप मैं घर का खाना खाने करूंगा और हॉर्स की तरह स्ट्रांग बनूंगा, आई प्रॉमिस। तो बच्चों, अगर आपको भी स्ट्रांग बनना है तो आपको भी घर का खाना और हरी सब्जियां खानी चाहिए। ये ना सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाती हैं, बल्कि आपको बीमारियों से भी दूर रखती हैं। Hey guys, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। रेड्डू बट्टू बाय।